देखो बेटा, थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, टू लीनियर पेयर होंगे इन टू वेरिएबल में, किस फॉर्म में होंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा टू लीनियर पेयर होंगे इन टू वेरिएबल में, इन्हें हम लीनियर पेयर बोलेंगे, समझ में आया। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जीरो, सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ऐसे हम जनरल फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पर बेटा क्या होगा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू आर क्या होंगे बेटा, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे एंड एक्स एंड वाई टू वेरिएबल होंगे। टू वेरिएबल होंगे, अब यहाँ पर एक्स होगा वाई होगा, कभी एक्स वाई होगा, कभी बेटा एस टी होगा, कभी यू भी होगा, तो उसमें टू वेरिएबल में होंगे। बट यहाँ पर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू एंड सी वन सी टू जी बेटा रियल नंबर होगा। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। तो समझ में आया, इसे इसका जनरल फॉर्म है जी, किसका बेटा, लीनियर पेयर का जनरल फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा दो मेथड होते हैं, कितने मेथड होते हैं बेटा, दो मेथड होते हैं। नंबर कौन कौन सा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है बेटा एलजेब्रिकली, एलजेब्रिक मेथड। समझ में आया बेटा। अब इसमें इन दोनों को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड की बेटा यदि बात की जाए, किसकी, ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड की बात की जाए ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ हम बनाएंगे एक और ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें टू बेटा इक्वेशन है, तो एक लाइन इसकी ड्रॉ होगी बेटा और दूसरी इस वाले इक्वेशन की ड्रॉ होगी, तो दो लाइन होगी। तो जब दो लाइनें बेटा फर्स्ट कंडीशन में जब दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट टू ईच अदर लाइन, जैसे दो लाइन जी हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, समझ रहे हो। तो इस जो पॉइंट होगा बेटा, इसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, गैप्स जे होगा बेटा, जे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ए जी वाली लाइन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, जी लाइन कौन सी है ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो आपको। तो जब भी बेटा एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसे हम बोलेंगे बेटा यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या ऐसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, समझ में आया बेटा। फर्स्ट कंडीशन, जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ग्राफिकली हमने सॉल्व किया, और ग्राफ में यदि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बेटा एक पॉइंट ऐसा होगा, वो पॉइंट इस वाली लाइन का भी होगा और इस वाली लाइन का होगा, तो वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा, क्या होगा,
सॉल्यूशन, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन बेटा एक निकल के आएगा हमारा, जो जिस लाइन पर हमारा इंटरसेक्ट, सपोज दैट जे कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, जे यू और भी पर इंटरसेक्ट किया, तो यू भी हमारा सॉल्यूशन होगा, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट। समझ में आया? ऐसे ही बेटा सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यदि लाइन क्या कर रही है बेटा, एक लाइन जी है और दूसरी लाइन भी इसी पे लाइन क्या है जा रही है बेटा, तो ऐसी लाइन को, इसको बोलते थे इंटरसेक्ट लाइन, अब ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्साइड लाइन। क्या बोलेंगे? कॉन्साइड लाइन। लाइंस, कॉन्साइड लाइंस, कॉन्साइड लाइंस मीन्स होता है बेटा एक लाइन दूसरी लाइन पर जब चलती है। समझ में आया? तो बेटा एक बार बताओ, ये एक लाइन पहले आगे जा रही है, दूसरी लाइन इसके पीछे है या इसके बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल जस्ट ऊपर जा रही है, उसी पे चल रही है, तो इसमें बेटा हर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक लाइन एक पॉइंट पे करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और हर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे की लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि बेटा हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया? और ऐसी लाइन को हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बेटा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? जी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? एक लाइन दूसरी लाइन पर जाती है, बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर चलती है, उसे हम कॉन्साइड लाइंस बोलते हैं, द पेयर ऑफ लाइंस कॉन्साइड लाइन, देन सॉल्यूशन आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट लाइंस या कॉन्सिस्टेंट लाइंस। समझ में आया? सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखो बेटा, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, यानी लाइंस आर पैरेलल, जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और लाइंस हमारी पैरेलल आएंगी, मतलब एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट कर लेती हैं तभी हमारा सॉल्यूशन होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जी बेटा पेयर ऑफ लाइन क्या होंगी बेटा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस। समझ में आया? इसमें लाइन देखो बेटा पैरेलल है, तो पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा वही होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, तो एक पॉइंट वाला हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब मैनी पॉइंट पर करेंगी, जब एक लाइन दूसरी लाइन पर कॉन्साइड होगी, मतलब मैनी सॉल्यूशन होगा, तो डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर होंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? तो जी हमारा बेटा ग्राफिकली में, ग्राफिकली में जी कंडीशन बनेगी। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? उसके बाद देखिए बेटा, ग्राफिकली हो गया, अब देखिए कौन सा बेटा, एलजेब्रिकली, बेटा एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड में बेटा तीन मेथड होते हैं इसमें भी। फर्स्ट मेथड होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होगा बेटा हमारा
एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होगा बेटा हमारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक समझ में आया? जब बेटा हमसे बोला जाएगा कि आप एलजेब्रिकली सॉल्व कीजिए, तो आप एलजेब्रिकली में आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो उसको, एलिमिनेशन से कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। और यदि ऐसा बोला जाए कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो सॉल्व, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, फिर आप इससे नहीं करोगे सॉल्व। समझ में आया? इसमें क्या कंडीशन बनेगी बेटा, इसमें कंडीशन जैसे फर्स्ट में यदि पेयर ऑफ लाइंस हमारी कौन सी हैं बेटा, सिंपल फॉर्म क्या कौन से होता है, पेयर ऑफ लाइंस आर ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू बाय प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। जब बेटा पेयर ऑफ लाइंस हमारी कौन सी होंगी बेटा, जी वाली होंगी, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन कौन सी आ रही है, यदि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू के, यदि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू के नॉट इक्वल टू होगा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इन दिस केस द सॉल्यूशन आर यूनिक सॉल्यूशन, इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और पेयर ऑफ लाइंस बेटा क्या हो जाएंगे बेटा, कंसिस्टेंट। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? इसमें सेकंड पॉइंट यदि बेटा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आ रहा है, समझ में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा कि नो सॉल्यूशन, इन दिस केस नो सॉल्यूशन। ग्राफ बेटा इसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट लाइन होगी, समझ में आया, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसमें बेटा लाइंस कैसी बनेगी, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन बनेगी पैरेलल, तो इसमें क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और बेटा पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन में बेटा देखो, थर्ड कंडीशन में ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यदि तीनों की वैल्यू बेटा इक्वल टू आ रही है तो इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इसमें बेटा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो लाइंस, लाइंस बेटा कैसे ड्रॉ होंगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर कौन साइड होगी, तो द पेयर ऑफ लाइंस आर कौन साइड इज कॉल्ड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया? इसमें क्या होगा बेटा, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा इसको आप अच्छे से कर लो, थर्ड चैप्टर में इन्हीं का यूज होगा। आपसे पूछा जाएगा कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी और पूछा जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप इसको जी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन, इसमें लाइन इंटरसेक्ट करती है, जी कंडीशन है तो नो सॉल्यूशन, इसमें लाइंस पैरेलल होती हैं, इसमें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट लाइंस, और इसमें बेटा पैरेलल लाइंस, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कौन साइड, कौन साइड लाइंस। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर बेटा? अब इसी पर डिपेंड होंगे आपके सारे क्वेश्चन। बेसिक पॉइंट आपके यदि क्लियर हैं
तो आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस आपका अच्छा होना चाहिए जी, मैंने इसीलिए बोर्ड पे दोबारा से बताया है, क्योंकि आप आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो फील होना चाहिए आपको कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी क्या कर रही है क्या, तो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। तो समझ में आया, सबसे पहले जिस देखो द पेयर ऑफ लाइन्स टू होती है बेटा, पेयर में किस फॉर्म में होंगे, कौन सा फॉर्म होगा, ये जनरल फॉर्म होगा ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इसमें जी बेटा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या होंगे बेटा, रियल नंबर होंगे, और एक्स और वाई इसमें वेरिएबल होंगे, कभी एक्स वाई होगा, कभी एस टी होगा, कभी यू वी होगा, चेंज होते रहेंगे वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें मेथड बेटा, इसको सॉल्व करने के मेथड दो होते हैं, कौन सा, ग्राफिकली मेथड, एलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड में बेटा हमने बताया था थ्री कंडीशन बनती हैं, यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यदि लाइंस क्या, उसे यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसेप्ट पेयर बोलते हैं। समझ में आया, यदि लाइंस क्या कर रही हैं, कौन साइड लाइन है यानी एक दूसरे पर हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन पर जा रही है, जैसे जी लाइन है एक लाइन इसी पर दूसरी लाइन गई, तो इस पर बेटा हर एक पॉइंट जी इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट कर रहा है इंटरसेक्ट, तो लाइंस तो बेटा बढ़ती चली जाती है, समझ रहे हो ना, तो लाइंस बढ़ती जाएगी, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन और बेटा कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होंगे पेयर। और थर्ड में हमने क्या बताया था, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल होंगी यानी एक लाइन दूसरी लाइन की पैरेलल होगी, जे एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी, जब कट नहीं करेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा लाइन इंटरसेक्ट करती है तब होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है तो क्या सॉल्व करना है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद मैंने बताया बेटा एलजेब्रिक मेथड, इसमें भी तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें तीन मेथड होते हैं। और यदि द पेयर ऑफ लाइन्स इस कंडीशन में है और ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइन्स आर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन होगा और जी बेटा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ऐसे बेटा यदि जी कंडीशन फुलफिल कर रही है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो इसे हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, यानी लाइन्स क्या है बेटा, पैरेलल लाइन्स हैं, समझ में आया। और जी कंडीशन ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू, तो जी कौन सी लाइन होगी बेटा, कौन साइड लाइन होगी, मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। यहाँ तक आंसर क्लियर, इन्हीं पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, कल आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तो बेस आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैव यू गॉट इट, नोट करो इसमें।